ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्य सर्वोपप्लव रहिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रं अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं बालत्रिककारं अन्यान् अस्मद्गुरून् संततं आनतोस्मि श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम अतिकल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तृणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदु ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ ओं तत्सत् परब्रह्मणे नमः श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर अश्रु शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वाम प्रपन्नम्। हे भगवान अज्ञानता के कारण अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है और धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा, अर्थात
आत्यंतिक दुखों की निवृत्ति, नित्य सुख शांति की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति और अमृतत्व की प्राप्ति, अज्ञान की निवृत्ति और अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार से होगी, उस उपाय को भी मैं नहीं जानता हूं। इसलिए हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं, मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। मेरे परम कल्याण का उपाय आप बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो, जैसा तुम चाहते हो ऐसा तो मेरा ही स्वरूप है, मेरा जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वो सच्चित आनंद स्वरूप है। सत इसलिए है कि उसका जन्म मरण होता नहीं है, चित इसलिए है कि अनंत अखंड ज्ञान रूप, आनंद इसलिए है कि अनंत आदि अंत से रहित अनादि अनंत सुख रूप। यही तुम चाहते हो, यही सब जीव चाहते हैं। तो जो मेरा स्वरूप है सो ही तेरा स्वरूप है। तो गीता अध्याय 10वां श्री भगवान उवाच, अहम आत्मा गुणा केश सर्वभूताशय स्थितः, अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। इसी श्लोक पर कल विचार कर रहे थे। अर्जुन, मैं सबकी आत्मा हूं, मैंने सभी जीवों का अपना निजी स्वरूप, और सबके अंतःकरण में मैं घटाकाश के समान और प्रतिबिंब रूप से बुद्धि में प्रकट हो रहा हूं, आभास रूप से अंतःकरण में, और साक्षी रूप भी हूं। जैसे घटाकाश और घट में यदि जल भरा हो है, तो आकाश का प्रतिबिंब भी पड़ता है, तो प्रतिबिंबाकाश दोनों होते हैं। ऐसे ही जो अंतःकरण है, आशय माने अंतःकरण, तो मैं घटाकाश के समान कूटस्थ चेतन हूं और बुद्धि शुद्ध है, सत्वगुण का कार्य है, इसलिए प्रतिबिंब रूप भी हूं। कर्तृत्व भोक्तृत्व सब चिदाभास साभास बुद्धि में है, कूटस्थ साक्षी चेतन में नहीं। तो अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता, और अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। और हे अर्जुन, सभी भूत प्राणियों का आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और पंच महाभूते भी अखिलम जगत, पंच महाभूतों से सारा संसार हुआ है, तो सभी भूत प्राणियों का मैं आदि हूं, मैंने मुझसे ही ये सब उत्पन्न होते हैं और मैं ही मध्य भी हूं क्योंकि मुझ में ही रहते हैं, और अंत भी हूं, अंत में मुझे ही मुझ में ही मिल जाते हैं। तो मैं स्वयं अनादि अनंत हूं और भूत प्राणियों का आदि मध्य अंत मैं ही हूं, ऐसा तुम जानो। और ये जितने भूत प्राणी हैं, पंच महाभूत हैं, ये सब मेरी विभूतियां हैं और मेरी माया से होती हैं। अब तूने कुछ विभूतियां पूछी है, सब उन विभूतियों को सुन। आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषामपि ज्योतिषाम रविरंसमान, मरीचिर मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। अब आगे का ये पूरे अध्याय का अर्थ बहुत स्पष्ट है। आदित्यानाम माने द्वादश आदित्यों में मैं सूर्य हूं, आदित्यानाम नहीं आदित्यों में मैं विष्णु हूं, आदित्यानाम हम विष्णु, ज्योतिषाम रविरंसमान, और जितने ज्योतिष हैं माने प्रकाश रूप पदार्थ हैं, अग्नि है,
विद्युत है, तारागण है, चंद्रमा है, सूर्य है, इनमें सबसे ज्यादा प्रकाश सूर्य में होता है, वही राजा के समान है नक्षत्रों में। तो ज्योतियों में मैं सूर्य हूँ, मरीचि मर्तामस्मि, और 49 मरीचियों में, मर्तों में, वायुओं में मैं मरीचि हूँ, मरीचि नाम का वायु। और नक्षत्राणाम अहम शशि, और नक्षत्रों में मैं शशि चंद्रमा हूँ। आगे वेदानाम साम वेदोस्मि, देवानामस्मि वासव। अर्जुन, चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम वेद, अथर्वेद, चारों वेदों में मैं साम वेद हूँ। साम वेद गायन पूर्वक कहा जाता है, इसलिए कुछ मनोरंजन भी हो जाता है, इसलिए वेदों में साम वेद। और देवानामसि वासव, वासव कहते हैं इंद्र को, देवताओं में मैं देवताओं का राजा इंद्र हूँ। आगे इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। अर्जुन, सभी इंद्रियों में मैं मन हूँ, मैंने इंद्रियों का राजा मन ही है, मन के बिना कोई इंद्रिय काम नहीं कर सकती, सबका शासक है। सब इंद्रिय में मन है नायक, और बंधन मोक्ष देने के लायक। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना, और सभी भूत प्राणियों में जो चेतनता है चिदाभास के द्वारा, हर भूत प्राणियों में, मनुष्य पशु पक्षी सब में, वो चेतना मेरी ही है, माने ज्ञान रूपी प्रकाश थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जीव तो सबका फिर राजा है, देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सबका ये राजा है, सबका संचालक है। तो ये शरीर रूपी राजधानी में ये सारी प्रजा है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राण आदि, उनका सबका ये राजा है। और भगवान सारे समष्टि के राजा हैं, माने समष्टि के प्रेरक, एक एक शरीर के प्रेरक तो जीव हो गए, समष्टि देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राणों के प्रेरक ईश्वर हो गया। तो भूतानामस्मि चेतना, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, वित्तेषु यक्ष रक्षसाम। अर्जुन, रुद्रों में, एकादश रुद्रों में मैं शंकर हूँ, संहारक देवता, सबसे श्रेष्ठ। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, आगे वित्तेषु यक्ष रक्षसाम, यक्ष और राक्षसों में मैं वित्तेषु, वित्त माने धन का, इस माने स्वामी कुबेर, मैं कुबेर हूँ। वसु नाम पाव कष्टास्मि, मेरु शिखरी नाम च, हे अर्जुन, वसु नाम पाव कष्टास्मि, वसुओं में मैं पावक नाम की अग्नि हूँ। वसु नाम पाव कष्टास्मि, मेरु शिखरी नाम हूँ, और जो शिखर ऊंचे 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 पहाड़ हैं उनमें मैं सुमेरी सुमेरु पर्वत हूँ, मेरु शिखरी नाम हूँ। पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पति, सेनानी नाम हम स्कंदा, और सरसाम अस्मि सागरा। अर्जुन, जो पुरोहित हैं उनमें देवताओं का जो पुरोहित है वो बृहस्पति है, तो बृहस्पति नाम का पुरोहित मैं हूँ। पुरोधसाम च विद्धि पार्थ बृहस्पति, सेनानी नाम हम स्कंदा, देवताओं के जो सेनानी माने सेनापति हैं उनमें मैं स्कंद हूँ। स्कंद नाम खडानन का है, शंकर जी का जो पुत्र है उसका नाम खडानन भी है।
उसी का नाम स्कंद है। तारकासुर नाम का एक दैत्य हुआ था और किसी से मारा नहीं मरता था क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान पा चुका था, केवल शिव पुत्र से ही मारा जा सकता था। इसलिए सब लोग शंकर जी के जितने देवता लोग थे और विष्णु और ब्रह्मा आदि सब जानबूझ के उनकी समाधि भंग कराए, उनको विवाह कराने के लिए, क्योंकि संकट पड़ा है, वो सब संसार भर को सता रहा है। त्रिपुरासुर ने तारकासुर, और यहाँ तक हुआ कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी तो कामदेव और रति इनको कहा तुम किसी प्रकार की उनमें प्रेम उत्पन्न करो तभी काम होगा, तब जो है पार्वती और शंकर का संबंध होगा, नहीं तो वो समाधि में बैठे रहेंगे। पार्वती भी ऐसे ही समाधि में रहेगी, दोनों का मिलन नहीं होगा, संतान नहीं होगी। तीनों लोग ट्राई ट्राई कर रहे हैं तारकासुर से, तो कामदेव को रति को भेजा, कहा जाओ तुम उनमें उनके मन में प्रेम जागृत करो। सो कह रहे थे कि हमारा तो मरण निश्चय ही होगा क्योंकि उनकी समाधि भंग करेंगे, वो क्रोधित हो उठे और उनका जहाँ तीसरा नेत्र खुला हम भस्म हो जाएंगे, अग्नि की ज्वाला निकलती है उनके तीसरे नेत्र से। फिर सब देवताओं ने समझाया और ब्रह्माज को ने इंद्राज को ने कि सारे विश्व के कल्याण के लिए यदि प्राण भी देना पड़े तो सब साधु लोग उसकी प्रशंसा ही करते हैं, इतने लोगों की रक्षा होगी। ऐसा समझा बुझा के उसको भेजा, कहा ठीक है जाता हूँ, प्राण तो निश्चय जाएंगे, बच नहीं सकता, पर हाँ सब देवताओं की रक्षा होगी, मनुष्यों की रक्षा होगी, सब ऋषि महर्षि चाय चाय कर रहे हैं, तीनों लोगों की रक्षा होगी। गया तो फिर उसने प्रेम जागृति किया, समाधि उनकी तोड़ी, भस्म हो गया, फिर उनका तीसरा नेत्र खुला, भस्म हो गया। अब रति जो है बारंबार रोती है, प्रार्थना करती है मेरे पति को जीवन दान दो। फिर पार्वती जी की बहुत उनकी भी समाधि तोड़ी, सब ने प्रार्थना किया कि हे माते आप जागो, शंकर जी जागृत हो गए। उनसे प्रार्थना किया रति ने कि हमारे पतिदेव को जिलवा दो, तो रति की तरफ से पार्वती ने भी शंकर जी से प्रार्थना किया कि नाथ ये अकेली बिचारी रह गई है, अब पति बिना तो पत्नी ही उसका दुख जानती है, इसलिए प्रभु इसके पति का जीवन दान दो। तो शंकर जी ने सूक्ष्म शरीर रूप से उसके एक सूक्ष्म शरीर दे दिया, कहा अच्छा मैं जीवन दान करता हूँ परंतु तो स्थूल शरीर इसको तो द्वापर युग तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और भगवान कृष्ण का अवतार होगा, विष्णु भगवान का, तो उसके पुत्र के रूप में इसका शरीर प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने उसको कुछ जीवन दान दिया, कुछ कामदेव को। तो रोज शाम च मुख्यम माम विधि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नाम स्कंद, तो ये स्कंद पुत्र उत्पन्न हुआ है, फिर इसी ने जो है उसको मारा है।
देवताओं का ये सेनापति बना, इसलिए उसका नाम सेनानी है। सेनानी नाम अहम स्कंदा सरसामस्मि सागरा, और जितने सरोवर हैं उनमें सागर से बड़ा कोई नहीं है, तो मैं सागर हूँ, समुद्र। सरसामस्मि सागरा मर्षि राम भृगुराम गिरामस्मेकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि अस्थावराणाम हिमालया। और जो महर्षि हैं उन महर्षियों में, सप्त महर्षियों में भृगु महर्षि भी हैं, तो महर्षियों में मैं भृगु महर्षि हूँ। सात महर्षियों में इनका नाम आता है, तो महर्षि नाम भृगुराम गिरामस्मेकम अक्षरम, और वाणी जो है उनमें मैं एक अक्षर ओंकार हूँ, सबसे छोटा और सबसे श्रेष्ठ भगवान का उत्तम नाम है और भगवान का ज्ञान कराता है, और वेदों का विस्तार इसी से हुआ है, इतना श्रेष्ठ ओंकार है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम ये एक अक्षर का नाम ब्रह्म है, ये वाचक है, ब्रह्म वाच्य है, ये नाम है, भगवान नामी है। तो गिरामस्मेकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, और हे अर्जुन यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, क्योंकि भगवान का नाम राम कृष्ण विष्णु आदि ये भगवान के नाम गुरु से लेकर के और जपे जाते हैं, इससे अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है, भगवान का नाम मंगलमय और ध्यान भी लगता है, जो भगवान का ध्यान भी करे और नाम भी जपे तजपस तदर्थ भावना। जिन मंत्रों का जाप किया जाता है भगवान के नाम मंत्र से, मन्नाध्याय त्रायते इति मंत्र, मनन करे माने मन से विचार करे अर्थ का, तो इसको ज्ञान भी हो जाएगा। तो क्योंकि नाम सर्वश्रेष्ठ है नामी के ज्ञान के लिए, और इसको जप यज्ञ भी बताया, ये जप यज्ञ है, और यज्ञों से ये श्रेष्ठ है, क्योंकि और यज्ञों में तो द्रव्यादि का खर्च है, और कहीं कोई विधि में, शास्त्र विधि में कोई गलती हो जाए तो उल्टा फल भी हो जाता है, और कोई कोई यज्ञों में हिंसा आदि का विधान भी है, तो और उससे कोई कल्याण नहीं होता है उन यज्ञों से, ज्यादा ज्यादा देवलोक मिलेगा पर जन्म मनुष्य तो नहीं छूटे। वो भगवान के नाम में तो द्रव्य का खर्चा नहीं है, कोई विधि विधान भी नहीं है, तो उल्टा फल हो जाए, गुरु से लिया नाम और जपता रहता है, वो ध्यान करता है भगवान का, तो भगवत प्राप्ति होगी, ध्यान से तदाकार वृत्ति हो जाएगी, इसलिए जप यज्ञ सबसे श्रेष्ठ, सरल और फल महान अविनाशी भगवान की प्राप्ति। और यज्ञ जितने हैं उनमें द्रव्यादि का खर्च और विधि आदमी को गलत हो जाए तो उल्टा फल, और जन्म मन से नहीं छूटेगा, उन देवताओं को ही प्राप्त होगा जिनके लिए यज्ञ करेगा, इसलिए जप यज्ञ को भगवान ने श्रेष्ठ बताया। स्थावराणाम हिमालय, और स्थावरों में जो स्थिर रहने वाले हैं, जिनका आयतन बहुत बड़ा है पर्वतों का, ऊंचाई में तो सुमेरु को बताया था, परंतु आयतन और अचल जो रहता है स्थावर, हिलता डुलता नहीं जल्दी, और ऊंचे पर्वत तो हिल डुल जाते हैं जल्दी भूकंप आदि में, वो गिर भी जाते हैं, और ये जितना ज़्यादा आयतन विस्तार होगा वो हिलता डुलता जल्दी नहीं है और अचल रहता है। तो स्थावराणाम हिमालय, जितने भी स्थावर पदार्थ हैं पर्वत आदि हैं उनमें हिमालय पर्वत बताया भगवान ने, स्थावराणाम हिमालय।
अश्वत्था सर्वृक्षाणाम देवर्षि नांचनार्द। वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ, माने पीपल का वृक्ष हूँ, और वृक्षों से पीपल का वृक्ष श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? इसलिए कि ये सत्वगुण प्रधान है। तो सत्वगुण की प्रधानता के कारण पीपल की पूजा होती है, तो पूजा करने वालों में भी सत्वगुण आएगा। जैसे मनुष्यों में ब्राह्मण सत्वगुण प्रधान है तो उसकी पूजा होती है, और पशुओं में गऊ आदि सत्वगुण प्रधान है तो उनकी पूजा होती है। तैसे ही वृक्षों में अश्वत्थ है, और तुलसी का वृक्ष है, केला है, आंवला है, वट वृक्ष है, इनकी सबकी पूजा होती है। पर इनमें भी सबसे श्रेष्ठ भगवान पीपल को बताते हैं, कहते हैं पीपल रात में भी जैसे और वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तैसे कहते ये नहीं छोड़ता है, इसलिए रात्रि में भी इनके नीचे रहा जा सकता है। और वृक्षों के नीचे रात्रि में रहना निषेध बताया है, गंदगी छोड़ते हैं और ये गंदगी नहीं छोड़ता है। दिन में तो खाते हैं ये वृक्षों का गंदगी भोजन है, और रात्रि में छोड़ते हैं। तो अश्वत्था सर्वृक्षाणाम देवर्षि नांच नारद, और देवर्षियों में मैं नारद हूँ। नारद भगवान का ही गान हमेशा करते रहते हैं, और तीन लोग 14 भुवन में विचरते रहते हैं, उस संसार भर की खबर रखते हैं। भक्तों में कोई संकट आवे तो तुरंत जाकर के शंकर जी को बता देंगे और ब्रह्मा जी को बता देंगे कि अमुक भक्त पर संकट आया है, और ब्रह्मा और विष्णु और शंकर को कोई खबर भेजना हो संसार में तो नारद जी को कहते भाई ये खबर आप पहुंचा दो, और कोई निमंत्रण आज भेजना हो तो भाई शंकर के ब्याह का निमंत्रण देना तो नारद जी को भेज जाओ, सबको निमंत्रण दे आओ। और वो यज्ञ कर रहे थे ब्रह्मा जी लोक हित के लिए प्रयागराज में, तो उसका निमंत्रण देने के लिए सब जगह चले गए। तो सबकी खबर भी पहुंचाते हैं और सब जगह के भक्तों की खबर लाते भी हैं, इन मुख्य मुख्य देवताओं को बताते हैं कि प्रभु उनकी रक्षा करो आप। इसलिए नारद जी की ज्यादा श्रेष्ठता बताई गई है। और ऋषि तो अपने तपस्या में मगन रहते, ये सब काम नहीं करते। तो देवर्षि नांच नारद, जो देवता भी हो ऋषि हो माने सर्वत्र गति हो, सब जगह जाए, उसको देवर्षि कहते हैं। और जो राजा भी हो और ऋषि भी हो उसको राजर्षि कहते हैं। और जो ब्राह्मण हो और ऋषि हो ज्ञानी हो उसको ब्रह्मर्षि कहते हैं। तो देवर्षियों में नारद को भगवान ने अपनी विभूति बताया। देवर्षि नांच नारदा गंधर्वाणाम चित्रथा सिद्धानाम कपिलो मुनि उच्चै सव समस्वानाम विद्धिमाम अमृतोद्भवम। और हे अर्जुन गंधर्वाणाम चित्रथा, गंधर्वों में मैं चित्ररथ नामक गंधर्व हूँ। गंधर्वाणाम चित्रथा और सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। कपिल मुनि सिद्ध भी थे और ज्ञानी भी थे, और अपनी माता को ज्ञान का उपदेश भी दिया था, और कपिल का एक शास्त्र भी है, सांख्य शास्त्र भी बनाया है कपिल ने। तो वो भगवान कहते हैं वो मेरी विशेष विभूति है। सिद्धा नाम कपिलो उच्च सर्व समस्वा नाम विद्धिमाम अमृतोद्भव। और जो अश्व है माने घोड़े हैं वो अमृत से उत्पन्न है, सागर मंथन से जो उत्पन्न हुआ था वो उच्चैसव नाम का घोड़ा है, उसको श्रेष्ठ होता है। उच्चैसव समस्वानाम विद्धिमाम
अमृतोद्भव ऐरावतम गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिप। और ऐरावत नाम का हाथी भी, वो भी विशेष हाथी, वो भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुआ था, निकला था 14 रत्नों। तो वो ऐरावत नाम का मैं हाथी ऐरावतम नराणाम च नराधिपम। और नरों में जो नरों का राजा है वो मैं हूँ। और आगे आयुधा नाम अहम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामधुक प्रजनश्चास्मि कंदर्प सर्पा नाम अस्मि वासुकी। अर्जुन जितने संसार में आयुध हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, उनमें मैं वज्र नामक अस्त्र हूँ जो इंद्र के पास अक्सर रहता है। आयुधा नाम अहम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामधुक। और धेनुओं में, गऊओं में मैं कामधुक हूँ, माने काम धेनु गऊ सब इच्छा पूरी करती, जो कामना करो। वशिष्ठ के पास में थी और परशुराम जी के यहाँ भी थी, उसी से यज्ञ आदि किया करते थे इनके पिताजी। और उसी को, वो गऊ को लेने के लिए उन्होंने सत्कार किया था, उसका सहस्रबाहु राजा आया था इनके यहाँ, परशुराम जी के पिता के यहाँ, भृगु के यहाँ, तो उनका राजोचित सत्कार किया था उन्होंने। तो उन्होंने सोचा है ऋषि ये कहाँ से राजसी, सब सबके निवास स्थान, सबको राजसी भोजन, दूध दही मक्खन मलाई और वो परोसने वाली तमाम, तो ये बड़ा आश्चर्य है। तो पूछा उनसे, भाई आपके पास ये सब कहाँ से चीजें आएं और हमारे राजाओं का सत्कार आपने कैसे किया? तो उसने कहा ये हमारी कामधेनु गऊ है, इसी की हम सेवा करते हैं और इसी से यज्ञ आदि का हमारा काम चलता है और अतिथि सेवा भी इसी के बल पर हम करते हैं। तो सहस्रबाहु ने कहा कि ये गऊ हमको दे दो और इसके बदले में 1,00,000 गऊ हमसे ले लो। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा मत करो, हम 1,00,000 गऊ का पालन पोषण कहाँ करेंगे, यज्ञ आदि करते रहते, 1 गऊ की तो सेवा बन जाती, इसी से हमारा सब जीवन निर्वाह होता है। परंतु वो राजा नहीं माना, जबरदस्ती ले गया। तो अभी इनका जो पुत्र था परशुराम, तपस्या करने चला गया था। तो उसका स्मरण किया पुत्र का, बहुत दुखी थे बिचारी ये गऊ के न रहने पर। उधर वो तपस्या कर रहा था, घोर तपस्या कर रहा था शंकर जी की। तो शंकर जी प्रसन्न हो गए परशुराम जी से, वो दर्शन दिया और कहा हे पुत्र वर्मा, जो तेरी इच्छा हो सो वर्मा। तो इसने कहा कि मैं आपकी ही भक्ति चाहता हूँ, आपकी चरणों की भक्ति मेरे हृदय में हमेशा बनी रहे, यही मैं चाहता हूँ। शंकर जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। परंतु अब आजकल क्षत्रियों में कुछ रजोगुणी तमोगुणी ज्यादा हो गए हैं, आश्री स्वभाव वाले हो गए हैं, तो साधु ब्राह्मणों को सताते हैं, इसलिए मैं ये फरसा देता हूँ तुझको। तो इससे क्या करना, साधु ब्राह्मणों की तू रक्षा करना और ये तेरे पास जब तक रहेगा तो उसे कोई नहीं जीत सकता है, तुझको कोई मार भी नहीं सकता है। इसका नाम राम था, तो राम 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 की याद किया था उन्होंने, इनकी माता ने और पिता ने। शंकर जी ने कहा अब तेरा नाम परशुराम हो गया है और
उपदेश भी किया था शंकर जी ने कि मेरे कल्याण का उपाय का बताओ, तो उपदेश भी था शंकर जी, तो उनका शिष्य भी बना, शिष्य भी है, भक्त भी है, और अधिकारी जान के फरसा भी दिया। और ये भगवान के अवतार में ये भी एक अवतार है, दसवां अवतार माना जाता है इनका, भगवान के अनेक अवतार भाई। तो हाँ, क्या बता रहे, धेनु नामस्मि कामधुक। परशुराम जी जब आए तो घर का हाल देखा तो पिताजी उदास, माताजी उदास और बहुत दुखी थे बेचारे। कहा पिताजी क्या हुआ, और गौ कहा है, देखा तो गौ नहीं, तो बताया कि बेटा वो सहस्र अर्जुन, वो जो राजा है, वो आया था तो हमने उसकी आतिथ्य सत्कार किया, तो उसने कहा कि हम पूछा कि कैसे तुमने किया, तो हमने बताया ये गऊ है, इसी की सेवा करते हैं कामधेनु, तो उसने हमसे मांगा कि हमको दे दो, तो हमने कहा नहीं, और 100,000 गऊएं देने को कहा, हमने स्वीकार नहीं किया कि हम कहाँ इतनी सेवा कर पाएंगे 100,000 गऊ। तो वो जबरदस्ती है छोड़ के ले गया गऊ को। तो इसीलिए वो दासी है, दुखी है, तुम्हारी माता भी दुखी है, मैं भी दुखी। तो शंकर जी ने तो कहा था ना कि ऐसे क्षत्रियों को दंड देना, तू क्योंकि बता भी दिया था कि तुम भगवान के दसवें अवतार भी हो और तुम इसीलिए जन्म तुम्हारा हुआ है। इस समय क्षत्रिय राजा आसुरी स्वभाव वाले हो गए बहुत ज्यादातर, कोई कोई हैं भक्त साधु ब्राह्मणों के और भगवान के, पर ज्यादा आसुरी स्वभाव वाले हो गए। इसलिए कहा पिताजी चिंता न करो, अभी मैं लाता हूँ गऊ को। कहा बेटा राजा है वो कितनी सेना है उसके साथ, तुम अकेले। कहा इसकी चिंता न करो, शंकर जी ने मुझको वरदान दिया है और ये फरसा भी दिया है, और ये आसुरी स्वभाव वाले जो राजा भय हैं उनको दंड देने के लिए कहा है, तो शंकर जी के मुझको आज्ञा मानना है। ये फरसा उन्हीं ने इसी काम के लिए दिया, और तो कोई मतलब नहीं, हमें ब्राह्मणों को और तो हिंसा करना नहीं, पर शंकर जी की आज्ञा, इसलिए मुझे आप रोको ना। ये रोकते थे कि राजा है, हम प्रजा हैं, मारना नहीं चाहिए परंतु तो परशुराम जी नहीं माने, क्योंकि गुरु की आज्ञा, शंकर जी हमारे गुरु भी हैं, वो भगवान तो है ही। गया और गौ को छोड़ने लगा तो सब टूट पड़े इसके ऊपर, सेना थी तमाम, सारी सेना को नष्ट भ्रष्ट कर, एक अकेले एक फरसा से, अस्त्र शस्त्र सहित कितनी सेना थी, देखा कि हमारी सेना को ये एक नष्ट कर दे रहा है परशुराम, तो वो स्वयं लड़ने आया, हजार भुजाएं थी उसकी, तो उसकी हजारों भुजाएं इसने काट दिया, फिर सिर भी काट दिया, और सिर काट करके और ले आया। कहा पिताजी ये मैं सिर ले आया हूँ इसका, और ये गौ भी ले आया हूँ, और उसको हवन कुंड में डाल दिया, खत्म कर दिया। पिताजी ने कहा बेटा राजा था, हम प्रजा थे, और हम लोगों को ये हिंसा आज शोभा नहीं देती, ये क्षमा हमारा धर्म है ब्राह्मणों का, तो ये तुझसे अपराध हो गया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए इस अपराध का प्रायश्चित करो, फिर 1 वर्ष तक की तपस्या करो इसके लिए।
इस अपराध की निवृत्ति। कहा जो आज्ञा पितृभक्त महान थे, जो पिता की आज्ञा हो वही करते थे। तो चले गए तपस्या के लिए। अब उसके 100 लड़के थे, उसके वो कहीं बाहर गए थे तपस्या करने, जाने कहाँ चले गए थे। सहसा जी ये तपस्या बहुत करते थे और फिर हिंसा वृत्ति होती, वरदान पाते थे तो फिर हिंसा करते थे। तो वरदान प्राप्त करते थे ज्यादा, ब्रह्मा जी की तपस्या करते थे, उन्हीं से वरदान जल्दी मिल जाता था। फिर कोई कोई शंकर जी की भी करते थे, ये भी भोलेनाथ, और ये सब जानते हैं कि ये वरदान पा करके वरदान का दुरुपयोग करते हैं, हिंसा वृत्ति वाले हो जाते हैं। चले गए पिता की आज्ञा मान करके फिर तपस्या के लिए। अब उनके 100 पुत्र आए वरदान आज पा करके, देखे पिताजी नहीं है, पता लगा कि वो उनका भृगु ऋषि का पुत्र जो है भृगुनंदन, वो इनको मार दिया है। तो वो क्रोध से आग बबूले हो गए और तुरंत सब सब के सब आ गए और ये यज्ञ कर रहे थे, हवन कर रहे थे, पति पत्नी बैठे हुए, और आ करके भृगु ऋषि का सिर काट करके और ले गया। राम राम करके माता पुकारी, माता की आवाज इनके कान में पड़ी, तुरंत वहां से दौड़े चले आए। देखा पिताजी का सिर कटा पड़ा है, सब पड़ा हुआ है, सिर तो वो लोग ले गए थे। तो कहा माता जी ये क्या हुआ? बोले उसके 100 लड़के वरदान पाए हैं और वो अजर अमर है, वो उनको कोई मार नहीं सकता है, वही तुम्हारे पिताजी की हत्या कर गए। तुरंत ये दौड़े और 100 के 100 को मार दिया। ये तो भगवान के अवतार थे ना, इनको जीतने वाला कोई नहीं था, और शंकर जी का वरदान भी था और वो फर्ज था, इसीलिए फर्ज दिया था। 7 को मार दिया और पिताजी का सिर ले आए और पिताजी के सब से जोड़ दिया और भगवान से प्रार्थना किया, शंकर जी से, कि हे प्रभु मेरे पिताजी जीवित हो जाए। शंकर जी प्रकट हो गए और उसका सिर जोड़ दिया, जीवित हो गए। तो इसलिए कि परशुराम जी मुख्य विभूति भगवान ने बताया। तो क्या बता रहे थे? कामधेनु की महिमा बता रहे थे, कामधेनु की ऐसी महिमा था। धेनु नामस्मि कामधु, आगे प्रजनश्चास्मि कंदर, और प्रजा उत्पन्न करने के लिए मैं कंदर माने कामदेव हूँ। प्रजनश्चास्मि कंदर्प, और सर्पों में सर्पों का राजा वासुकी हूँ, वासुकी नाग उस सर्पों का राजा है। सर्पाणामास्मि वासुकी, और अनंतश्चास्मि नागानाम वरुणो यादसाम हम, और नागों में मैं अनंत नाग हूँ। ये भगवान का आसन की जगह भगवान की सैया है, शेष नाग अनंत नाग है और सहस्र भुजा है। और क्या विशेषता है? कहते इसमें जहर नहीं है, सत्वगुण प्रधान है। भगवान विष्णु का आसन है ना, सैया है ना, बहुत विशेषता है ये अनंत नाग में। और यही लक्ष्मण का अवतार लिया था जब विष्णु भगवान राम बने थे, और जब फिर विष्णु भगवान ने द्वापर में कृष्ण का अवतार लिया था तब यही बड़े भाई बलराम भी बने थे।
शेषनाग और बहुत बलवान है, सारी पृथ्वी का भार भी उठाए अपने सिर पर। और भगवान की अब ये डूबते तो है नहीं, सर्प लोग तो समुद्र के बीच में उतराते रहते और उसमें भगवान विष्णु भगवान लक्ष्मी के सहित रहते और अपने फणों से वर्षा की रक्षा करते रहते, उनकी सब प्रकार से छतरी का काम करते। तो बहुत बहुत विशेषताएं हैं ये अनंतनाग की। अनंतस्यास्य नागानाम, नागों में मैं अनंत नाग हूँ। और याद साम माने जलपतियों में, जलों का जो स्वामी है पति वो वरुण है, तो मैं वरुण हूँ। आगे पितृणाम अजिमा चाष्य, पितरों में मैं अजिमा नाम का पितर हूँ। और संयम करने वालों में मैं यमराज हूँ, क्योंकि यमराज ऐसे संयम करने इनसे कोई जीत नहीं सकता है। यमराज माने और तो क्या, भगवान को भी नहीं छोड़ते, जिसका जन्म होगा ना उन पर यमराज का शासन है और भगवान से प्रकट हुआ है, ये सबसे बड़ा लड़का है यमराज। और भगवान ने ये आज्ञा दिया है, समय आने पर तुम इसको यमपुरी ले जाओ। तो यम संयम ताम, संयम करने और शासन करने वालों में ये यमराज भगवान कहते हैं मैं ही, मेरी ही विभूति। प्रहलाद चास्मि दैत्यानां, काला कलयताम हूँ। और दैत्यों में मैं भक्त प्रहलाद हूँ, जो भगवान विष्णु का भक्त था। प्रहलाद चास्मि दैत्यानां, काला कलयताम हूँ। काल नाम गणना करने का है, एक दो तीन चार, ये समय लगता है ना, एक एक सेकंड, एक दो तीन चार, इसको काल कहते हैं। और कलयताम हम माने गणना करने वालों में मैं काल हूँ, माने समय हूँ। काला कलयताम हम मृगांच मृगेन्तो मृगेन्द्रो हम वैंते यश्च पक्षिणः। और मृगों में माने पशुओं में, पशुओं का राजा सिंह है मृग इंद्र, माने पशुओं का राजा इंद्र माने सिंह। बैंतेयस्य पक्षिणाम, और पक्षियों का राजा बैंते कहते हैं गरुड़ को, तो मैं गरुड़ हूँ पक्षियों में। आगे पवन पवतामस्मि, और पवित्र करने वालों में मैं पवन हूँ, पवन पौतामस्मि। और शस्त्रधारियों में सर्वश्रेष्ठ मैं राम हूँ, क्योंकि विभूति बता रहे हैं तो राम का भी अवतार हुआ है ना, तो जो होए वो विभूति है, विशेषेर भवनम विभूति। तो शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। और जो जल में रहने वाले हैं मगरमच्छ वगैरह, तो उनमें मैं मगर हूँ, मगर नाम का मच्छ। और स्रोत साम माने नदियाँ में, नदियों में मैं गंगा नदी हूँ, जानवी गंगा नदी। सर्गाणाम आदिरंतस्य, और सर्गो माने सृष्टियों में मैं आदि हूँ और अंत भी हूँ। मध्यम सेवा मध्यम, और मध्यम भी हूँ, माने सृष्टि की आदि भी मध्य भी अंत भी मैं ही हूँ। अध्यात्म विद्या विद्यानाम, अध्यात्म विद्या विद्यानाम बाधा प्रवदताम हूँ। हे अर्जुन, विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ, क्योंकि अध्यात्म विद्या सब विद्याओं का राजा है।
जितनी संसार की विद्याएं हैं वो मृत्यु से नहीं छुड़ाती, परंतु ये अध्यात्म विद्या माने आत्मज्ञान और परमात्मा का ज्ञान ये मृत्यु से छुड़ा लेता है। इसलिए विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ और बाधा प्रवदताम हम, और प्रवचन में वचन बोलने में मैं बाध हूँ। शास्त्र और युक्ति के अनुसार जो यथार्थ निर्णय के लिए बातचीत की जावे जैसे गुरु शिष्य का, तो उसको तो बाध कहते हैं। और दूसरा एक जल्प बाद होता है, एक वितंडा बाद होता है। जल्प बाद वो होता है कि जो अपने जीतने के लिए खाली, जल्प माने मैं जो कहता हूँ वही ठीक है, उसको स्तुति वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, अपने बुद्धि के बल से दूसरे की बात को काटना और अपना पक्ष स्थापित करना, इसको वितंडा बाद कहते हैं। अरे वो जल्प बाद कहते हैं, और वितंडा बाद उसको कहते हैं कि अपना कोई पक्ष भी नहीं है, दूसरे के बाद खंडन करना, ये बिल्कुल व्यर्थ का है, मूर्खों का, ये मूर्खों का है। और जल्प बाद कोई तर्कवादी पंडितों का है, और जो बाद है वो गुरुओं का है, संत महात्माओं का है, जो वेद के अनुसार बोलते हैं। इसलिए बादों में भगवान ने तीनों में से श्रेष्ठ बात बताया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में विश्व का हर हर महा।